हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आपको पता ही होगा रॉबर्ट पैटिंसन की जो मूवी थी द बैटमैन, वो जब सक्सेसफुल हो गई थी एक बॉक्स ऑफिस, तो कई सारे स्पिन ऑफ अनाउंस हुए थे, जिसमें कैट वुमेन का स्पिन ऑफ था, आर्कम असाइलम का स्पिन ऑफ था, पेंगुइन का एक स्पिन ऑफ था, क्लेफेस का भी एक स्पिन ऑफ था, और ये भी खबर निकल के आ रही थी कि शायद स्केयरक्रो को भी एक मूवी या टीवी सीरीज मिल सकती है। ज़्यादा खबर ये उड़ी थी कि शायद एक मूवी मिल सकती है। उसके बाद से बाकी प्रोजेक्ट्स पे तो बीच बीच में रिपोर्ट आई कि हाँ क्लेफेस का प्रोजेक्ट बन सकता है या कैट वुमेन का प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन स्केयर क्रो का जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के फिर नहीं आई थी। लेकिन अब फिर से ये खबर उड़ने लगी कि हाँ जो स्केयर क्रो है इसकी भी एक लाइव एक्शन मूवी बनेगी रॉबर्ट पैटिंसन यूनिवर्स में, और इस पे एक्टिवली अब वर्क शुरू हो चुका है। अच्छा, स्केयर क्रो का कैरेक्टर आप जानते हैं, जो क्रिस्टोफर नॉलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी थी उसमें भी ये कैरेक्टर अपियर हुआ था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सही से यूटिलाइज नहीं किया गया था उस कैरेक्टर को। फर्स्ट पार्ट में ठीक ठाक वर्क था उसका, लेकिन सेकेंड पार्ट यानी डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेज में स्केयरक्रो के कैरेक्टर को उतना अच्छे से यूज़ नहीं किया गया था। और क्योंकि अगर लाइव एक्शन मूवी एक बन रही है स्केयरक्रो की, तो ज़्यादा बजट भी गाइज इस मूवी का नहीं होगा। आई थिंक 40 से 50 मिलियन डॉलर्स में भी आप एक मूवी बना सकते हैं। और मान लीजिए रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन किसी तरीके से कैमियो कर रहा है, तो बॉक्स ऑफिस पे एक बूस्ट मिल जाएगा इस मूवी को। और जो रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स है मैट रीव्स का, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और पेंगुइन की टीवी सीरीज का हाइप बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो इसको अच्छा खासा एक्सपेंड करना चाहेंगे वार्नर ब्रदर्स और मैट रीव्स। तो खबर निकल के आ रही है कि भैया स्केयर क्रो की भी लाइव एक्शन मूवी बन सकती है, और जब भी ये रिलीज होगी 2026 में, मान लीजिए अगर ये रिलीज हो रही है, तो जो हेलोवीन का मंथ है यानी अक्टूबर के टाइम, उसी में ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि हेलोवीन का जो मंथ है वो वॉर्नर ब्रदर्स किसी भी तरीके से छोड़ेगा नहीं बैटमैन या बैटमैन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे 2025 में हम जानते हैं रॉबर्ट पैटिंसन की मूवी रिलीज हो रही है अक्टूबर में, हेलोवीन का मंथ है, और जोकर जो है हमारी जोकर 2, वो नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रही है, वो भी अक्टूबर में हेलोवीन के अराउंड। तो ये जो हेलोवीन का मंथ रहा है ये हमेशा से बैटमैन और बैटमैन बेस्ड मूवीज के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो बहुत खुशी की बात रहेगी अगर स्केयर क्रो की लाइव एक्शन मूवी मिल रही है हमको तो। और दूसरी तरफ जेम्स वॉन जो एक्वामैन 2 के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अब पर्सनली कमेंट किया है इस टॉपिक पे कि क्या हमको कोई बैटमैन देखने को मिलेगा एक्वामैन 2 में कि नहीं। हम ऑलरेडी जानते हैं एक्वामैन 2 की जो रिलीज डेट है वो कई बार चेंज की गई थी, कभी वो फ्लैश के पहले रिलीज हो रही थी, फिर वो बाद में रिलीज हो रही थी, फिर रिलीज डेट चेंज हुई कि नहीं एक्वामैन 2 फ्लैश से पहले ही आएगी, लेकिन बाद में बताया गया कि नहीं, बाद में ही आएगी, यानी मल्टीपल टाइम्स रिलीज डेट चेंज हुई थी। तो बैटमैन के दो कैमियोज इसमें थे, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, एक बेन अफ्लिक का कैमियो और एक माइकल कीटन का कैमियो। तो जेम्स वॉन ने इस पर कमेंट किया और उन्होंने ये कहा है कि जो बैटमैन के कैमियो हमने रखे थे ये इसलिए रखे थे कि जिस हिसाब से रिलीज डेट होगी एक्वामैन 2 की, हम उस हिसाब से बैटमैन का सीन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्वामैन 2 फ्लैश से पहले रिलीज होती, यानी मल्टीवर्स किसी भी तरीके से रीसेट नहीं हुआ है अभी, तो बेन अफ्लिक का कैमियो उसमें हो जाता ताकि कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन किया जा सकता। लेकिन अगर एक्वामैन 2 फ्लैश मूवी के बाद रिलीज होती, तो हम जानते हैं माइकल कीटन को मेन बैटमैन बना दिया जाता, तो माइकल कीटन के बैटमैन का कैमियो होता है एक्वामैन 2 में। और जो माइकल कीटन के बैटमैन का कैमियो है इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इस सीन में हमको ये पता चलता कि जो नया यूनिवर्स तैयार हुआ है इसमें जस्टिस लीग अभी बनी नहीं है, यानी कि सारे सुपर हीरोज अलग अलग वर्क कर रहे हैं। प्लस माइकल कीटन का जो बैटमैन है वो एटलांटिस और एक्वामैन को जानता तो है, लेकिन उन पे यकीन नहीं करता है वो, यानी ये दोनों भी फ्रेंड्स या एलाई नहीं है। प्लस अर्थ का जो कोर है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए माइकल कीटन का बैटमैन ब्लेम करता है एक्वामैन और एटलांटिस वालों को। बाद में फ्यूचर में जाके ये पता चलता कि जो अर्थ के कोर में प्रॉब्लम हो रही है, ये दरअसल मल्टीवर्स की कई सारी अर्थ में ये प्रॉब्लम हो रही है, और एक तरीके से क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ का एक मल्टीवर्स इवेंट बनाने की कोशिश करती वार्नर ब्रदर्स फ्यूचर में। लेकिन हम जानते हैं ना पुराना वाला यूनिवर्स ही हमको पूरे तरीके से देखने को मिला, ना हमारा का जो प्लान था मल्टीवर्स इवेंट करने का, ना हमको यही देखने को मिला। लेकिन जेम्स वॉन ने ये क्लैरिटी कर दी है कि बैटमैन का जो कैमियो था ये कोई बहुत बड़ा कैमियो नहीं होने वाला था, केवल कंटिन्यूटी को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा करने वाले थे वो, अगर एक्वामैन 2 फ्लैश से पहले रिलीज होती या बाद में। लेकिन अब एक भी बैटमैन का सीन नहीं है एक्वामैन 2 में। तो गाइस, आपके हिसाब से जो स्केयरक्रो की मूवी है
अगर इसकी लाइव एक्शन मूवी बनाई जाती है तो क्या ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।